नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के अधीन आते फिलौर के नजदीक एक तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्राली के पीछे टकराई। 1.5 वर्षीय बच्चे सहित 2 लोगों की मौत, 5 घायल। होशियारपुर के दसूहा तलवाड़ा मुख्य मार्ग पर पराली से भरी ट्रैक्टर ट्राली और बस की हुई टक्कर, 2 लोग घायल। कपूरथला में रशियन युवती का पर्स लूटकर एक लुटेरा हुआ फरार। समाजसेवी संस्था के साथ रशिया से भारत घूमने आई थी युवती। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के अधीन आते फिलौर के नजदीक सुबह एक कार और ट्रैक्टर ट्राली में भीषण टक्कर हो गई, तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना फिलौर के प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि फिलौर के नजदीक एक कार आगे जा रही ट्रैक्टर ट्राली से जोर से टकरा गई। इस दौरान पुलिस पार्टी ने घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल फिलौर में भर्ती करवाया, जहां पर कार सवार सरवन कुमार की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि एक 1.5 वर्षीय बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लुधियाना रेफर कर दिया है, जबकि 5 लोग और घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी लुधियाना निवासी बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी एक ही परिवार से संबंध रखते हैं और माता चिंतपूर्णी से माथा टेक कर वापिस अपने घर ताजपुर रोड लुधियाना जा रहे थे, तो वहीं ट्रैक्टर चालक भी घायल हो गया है। इस हादसे के दौरान ट्रैक्टर ट्राली और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं पुलिस ने क्रेन को मंगवाकर दोनों वाहनों को रास्ते से हटाकर यातायात चालू करवाया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 1.5 वर्षीय बच्चे वैभव, जिसे लुधियाना रेफर किया गया था, इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो जाने की बात सामने आई है। गौतम कुमार पांडे जी मेरा नाम है। ठीक है जी। चिंतपुरनी तो जी मैं वापस आ रहा सी लुधियाने नू, ते राह च इत्थे फलोर कोले मेरा एक्सीडेंट हो गया जी। मैं 90 दी स्पीड ते अपने आ रहा सी। मैं मेरे अगे ट्रैक्टर चल रहा सी, मैं उन्हूं डिपर मारिया जी। ट्रैक्टर वाले ने इको दम इधर नू कर ली, जिहदे करके मैनूं मौका नहीं मिलिया। मैं फिर भी कटती ते कंडक्टर साइड गड्डी वज गई जी पूरी। मेरे को जी आर्टिका गड्डी है जी, कमर्शियल नंबर PV01E7124 जी। ये फैमिली सी जी पूरी, इन्हों की 3 जवाक सके, नहीं 4 जवाक सके, 6 बड़े बंदे सके जी। हूँ जी मैं आप इतने बैठा जी, मैं पता नहीं है जी। हाँ जी लुधियाने जाना सी। क्या नाम है? हम लुधियाना से वो माता के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया हमारे घर, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कौन सी गाड़ी में, किसके साथ हुआ? हमारे मामा थे, दोनों मामा थे और मामी थी, उनके 3 बच्चे थे और हमारे साथ नानी थी। कहाँ जाना था? हम दर्शन करके घर वापस लौट रहे थे। में जा रहे थे? हाँ जी। कितने लोग थे? हम लोग 9 लोग थे। काफी चोटें हैं सबको? हाँ जी। मामा की बहुत हालत खराब है, मामा को बेचारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। भाई साहब क्या नाम है तुम्हारा, तो की गल हुई है? बागू मेरा नाम है जी, अभी फकवाड़े तो मारे थे भुला राही तो। ते असी ते फ्लोर तो बैक साइड ते पहुंचे हैं, मगर एक गड्डी बहुत तेज आई है, ते उन्हें अपने ट्राली दे बेच पिछों मारी है, ते साड़ा ट्राली और ट्रैक्टर घुमा के पुठे पासे करता है। हाँ जी। तो बाकी लेडीज कह रहे भी असी नींद दे विच सी, असी अपने ड्राइवर नूं कहा भी घंटा एक सौ दो, सुते नहीं। हाँ जी, ते उन्हां करके हादसा होया जी। हाँ जी, साढ़े को एक रोड साइड एक्सीडेंट नाल पेशेंट आए 7, जिदों कि एक पेशेंट जिहड़ा कि ब्रॉडडेड सीगा। पेशेंट का नाम हैगा सौरभ कुमार, जिहड़ा ब्रॉडडेड सीगा। रोड साइड एक्सीडेंट होया नीयर पैप्सी GT रोड। ठीक है। तो बाकी एक बच्चा जिहड़ा ज्यादा सीरियस सीगा, 4.5 साल का, वह नाम वैभव सीगा, उन्हों आपां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लुधियाने रैफर करता है, तो बाकी पेशेंट हजे अंडर ऑबजरवेशन ने। हजे फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते उन्होंने बारे, लेकिन अंडर ऑब्जरवेशन में। अजय एक रेते की खाली ट्रैली ट्रैक्टर स्वराज गुराया साइड तो आ रहा है, मगर एक कार इटिका सवारियां वाली जो माता चिंतपुरनी तो आ रही थी, जी सवारियां ताजपुर रोड लुधियाने दियां सन, अचानक उन्होंने ड्राइवर को पता नहीं की होया जां नींद आ गई है, तो वो गड्डी जी है काफ़ी तेज रफ्तार के ट्राली के पिछे लगी है, तो उस 4-5 सवारियां जिहड़ियां इंजर्ड है, तो एक की डेथ हो चुकी है,
एक बच्चा ज्यादा इंजर्ड है वो डीएमसी रेफर करता है। ट्राली ट्रैक्टर का ड्राइवर भी सट लगी सिर भी हॉस्पिटल लेके गए ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਫਿਰ ਬਸ ਕ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਸੰਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। होशियारपुर के दसूहा तलवाड़ा मुख्य सड़क पर पड़ते अड्डा सिपरिया में पराली से भरी ट्रैक्टर ट्राली और बस की टक्कर में दो लोग जख्मी हो गए, तो वहीं इस घटना संबंधी जानकारी देते हुए एक निजी कंपनी के बस ड्राइवर चंचल सिंह ने बताया कि वह तलवाड़ा से सवारियां भरकर दसूहा जा रहे थे कि तभी सिपरिया अड्डे के नज़दीक दसूहा की तरफ से आ रही पराली से भरी ओवरलोड ट्राली जिसने पूरी सड़क घेर रखी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बस पूरी सड़क से नीचे उतार दी, फिर भी बस के पिछले हिस्से में ट्राली का किनारा टकरा गया जिस कारण बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह से टूट गया और खिड़की के नज़दीक बैठी सवारियां भी जख्मी हो गईं। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल हुए लोगों को अस्पताल भेज दिया गया, तो वहीं जब ट्रैक्टर ट्राली के ड्राइवर को लोगों ने समझाने की कोशिश की तो वे लोगों से ही लड़ने झगड़ने लग गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इन ओवरलोड ट्रालियों के कारण कई हादसे हो चुके हैं जिसमें कई लोग अपनी जानें भी गंवा चुके हैं, लेकिन अभी भी बेधड़क ये ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियां सड़क पर बेखौफ चल रही हैं। वहीं लोगों का कहना है कि पुलिस इन्हें रोकने में असमर्थ है। होया कि इधर रोड से तुरे जाने या सीधी लियाए गड्डी बच्चे मार दी, पहला शीशे तोड़े मुड़के बनवाछी की 25-30 मुंडे लिया के धक्के ट्राली लैके चले गए जी। अच्छा, पूरी बनवाछी लाई उनकी पुलिस तो की मांग करते हो तुसी? मांग यही करते हैं प्रशासन तो जी, रोड से चलना ध्यान ना चलना चाहिए, रात में चलनी चाहिए, दिन नहीं चलनिया चाहिए, बिल्कुल निरी बदमाशी है जी। धक्के भाजी पुछो या सवारियां पुछो, पता नहीं किहड़े हिसाब नाल की खादा इन्हें घुमाउंदा ही आउंदे आ पूरे रोड से। यह कहिंदा मेरे अगे कार ना ब्रेक साडी साइड आ गया, मैं थले भी सुट्टी कटी तां भी उन्हें पिछली साइड लिया के बिच मारी। नुकसान आ देख लो ते सामने ही है जी, हम मिस्त्री लिया के एस्टीमेट दस दें तुम कि। हाँ जी बिल्कुल जी, आ देखो अजय एक सवारी गई भी है सुटिया लगा पट्टिया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਚੜਾਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਆ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜੀ? ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਅੰਡਰਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਟਰੱਕ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੰਗਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਰੀ ਬਾਸੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਮਾਰੀ, ਕੱਟ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਓਵਰਲੋਡ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਸੂਹੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ। ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰਾਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? कपूरथला की एक समाज सेवी संस्था के साथ रशिया से भारत घूमने आए वफद की रशियन युवती के साथ फगवाड़ा के रेलवे स्टेशन पर उसका पर्स छीनने का मामला सामने आया है, तो वहीं इस घटना संबंधी जानकारी देते हुए समाज सेवी संस्था के प्रबंधक ने बताया कि वे अक्सर ही विदेशी लोगों को अध्यात्म के ज्ञान के लिए उन्हें भारत यात्रा पर लेकर आते हैं और उन्हें भारत और पंजाब के अलग अलग आध्यात्मिक, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थानों पर लेकर जाते हैं। लेकिन उनके साथ गत दिनों जब वे ऋषिकेश से जालंधर वापस आ रहे थे तो जब वे फगवाड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो एक अज्ञात ने उनके साथ आ रही एक रशियन युवती से उसका पर्स छीन लिया जिसमें उसकी करीब 3 लाख से ज़्यादा की भारतीय और विदेशी करेंसी थी। वहीं उन्होंने बताया कि इसके अलावा उसका पासपोर्ट, बैंक के कार्ड और घर की चाबियां थीं। उन्होंने बताया कि वे इस घटना से काफ़ी खौफजदा हो गए और पंजाब में बने इस माहौल से वे काफ़ी तनाव में हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि उस समय वे इतने परेशान और डर गए थे कि उन्होंने किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अब कपूरथला पहुंचकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की है जिन्होंने उन्हें फगवाड़ा में शिकायत करने के लिए कहा, लेकिन फगवाड़ा के DSP जसप्रीत सिंह के अनुसार उन्हें अभी तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। मेरा नाम जसविंदर है जी। कितों आए तुसी? असीं रशिया तो आए हैं जी। ठीक है, अगे भी आने? अगे भी हाँ जी, काफ़ी बार असीं टूर ऑर्गेनाइज कर चुके हैं इतने,
ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਐਤਕੀ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਐਤਕੀ ਮੇਰਾ 3 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਸੀਗਾ ਇਹ 2 ਵੀਕਸ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਵਸ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਖੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ ਘਟਨਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੌਣ ਇਹ ਬੈਗ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲੇ ਤਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਦੁਆ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਮ $3,800, $15,000 русских рублей, $9,000 ваших денег, карта и ключи. ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ $3,800 ਸੀਗਾ ਅਤੇ 1500 ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਸੀ 15,000 ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ 9,000 ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਇਰਡ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੈਟਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ SP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ FIR ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ DDR ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝੀਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਜੋ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਓਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਐਫਰਟ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਣਗੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕੀ ਵੀਰਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕਾ ਅਨਾਵਰਣ ਕੀਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾ ਅਨਾਵਰਣ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮਾਨਨੀਏ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਕਰ ਕੀਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਕੇ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕੀ ਉਲੇਖਨੀਏ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਾ ਸਮਰਪਣ ਔਰ ਸਾਹਸ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਤਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਉਨਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਸਥਯ ਸੇਵਾਓਂ ਔਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕੇ ਲਈ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਵੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਸਰੀਚਾ ਵਿਨੇ ਰਾਜ ਅਗਰਵਾਲ NC ਸਾਹਨੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜ ਦੀਪਕ ਚੁਗ ਕਾਮਨਾ ਰਾਜ
अग्रवाल, रंजीत आर्य, सुधीर शर्मा, शिव कुमार मोदगिल, डॉक्टर उर्वशी अरोड़ा, डॉक्टर पूजा शर्मा, प्रतपाल सिंह चावला, मदन गुप्ता, अरुण नैयर, युगल किशोर साहनी, राजीव चोपड़ा, भगवती प्रसाद शर्मा, कुणाल खेड़ा भी मौजूद रही। इस समारोह का समापन सांस्कृतिक प्रदर्शन और लाला लाजपत राय के जीवन और शहादत के प्रसंग पर एक नाटक के साथ किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। राष्ट्रभक्ति से प्रेरित पूरा जापान हमने देखा, एक बार वहां पर एक्यूट शॉर्टेज हुई फ्यूल की, आदेश हो गया सरकार का अपनी पर्सनल गाड़ी कोई नहीं निकालेगा, कोई नहीं निकालेगा मतलब कोई नहीं, नो एक्सेप्शन, सभी यदि जाएंगे जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बसेज में। एक इंडियन गया बैठा बस में, ये मैंने पढ़ा था रेडियो डाइजेस्ट में, बस में बैठा पास में बात कर रहा है, पूछा क्यूरियसिटी क्या पूरा बंद है, प्राइवेट गाड़ी निकल ही नहीं सकती, बोले नहीं निकल सकती, मिनिस्टर लोग वो भी बस में जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर वो भी बस में जाएंगे, तो बोले यार ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर से हम मिलना चाहेंगे, कैसे मिल सकते हैं। धीरे से वो साथ में बैठा हुआ, सर यू आर टॉकिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, सी सिंपली। एक फैक्ट्री में गया, हमारी कमेटी थी पार्लियामेंट की, 10-12 लोग थे हम, प्रेसिडेंट से मिले, सबसे बड़ा ऑटो की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बहुत बड़ा प्लांट, मिले उन्होंने हमारा स्वागत किया, ले गए प्लांट दिखाने गए। आप मैं बताऊं प्रेसिडेंट की जो कपड़े थे ना, वो कपड़े उसका फोरमैन पहने हुए था, जो स्पिनर हाथ में था, काला हाथ जरूर था स्पिनर से, तो कस रहा था नट बोल्ट, वो भी वही कपड़े, वही प्रेसिडेंट उस कंपनी का मालिक। अमृतसर के उत्तर क्षेत्र में एक नौजवान द्वारा अपनी थार गाड़ी की नंबर प्लेट को छुपाने के लिए एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मोटर का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर रील बनाई गई थी, जिस पर तुरंत नोटिस लेते हुए अमृतसर उत्तर क्षेत्र से एसीपी वीरेंद्र खोसा द्वारा इस थार गाड़ी के मालिक को पकड़कर उस पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी वीरेंद्र खोसा ने बताया कि उनके ध्यान में ये मामला आया था, जिसमें एक थार गाड़ी के मालिक द्वारा गाड़ी की नंबर प्लेट छुपाने के लिए ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मोटर का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की गई थी, जिसे काबू कर भारी जुर्माना लगाकर कानूनी कार्रवाई की गई है। तो वहीं उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कानून की उल्लंघना ना करें, जो कोई भी कानूनों की उल्लंघना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर कमिश्नर दे थाना रंजीत एवेन्यू विखे सानू पिछले एक दो दिन तो काफी वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया चल रही थी वो मशहूर हुई थी, जिस विच जाहिरा तौर पर एक थार गड्डी जिसका नंबर दिख रहा है PB02EQ1301 उस गड्डी वालों ऑटोमैटिक इलैक्ट्रिक नंबर प्लेट फ्लिपर की वरतों की जा रही थी, जिस की वरतों करके वह अपनी नंबर प्लेट को छुपा रहा है, जो कि मोटर वहीकल एक्ट के तहत एक जुर्म है। अज इस वहीकल को इस थार गड्डी को काबू करके इस दे खिलाफ मोटर वहीकल एक्ट के तहत चलान किया गया, जिस तहत उन्होंने भारी जुर्माना भरना पवेगा। मैं लोगों को यह अपील करना चाहूंगा कि अगर तुम किसी भी तरीके नंबर प्लेट छुपाने उसने छेड़खानी करते हो जां किसी फ्लिपर की वरतों करते हो, एक तरीके कानूनी तौर पर जुर्म है। अगर तुम यह एक्टिविटी में लिप्त पाए जाने हो तो खिलाफ चलान किया जाएगा, तो इस तहत तुम भारी जुर्माना भी भरना पै सकता। माँ बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में माँ बंगला मुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान से विधिवत षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन, पंचोपचार पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई गई। तो वहीं हवन यज्ञ में पूर्ण आहूति उपरांत आए हुए माँ भक्तों से अपनी बात कहते हुए सिद्ध माँ बंगला मुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने
तप की परिभाषा का व्याख्यान किया। उन्होंने कहा कि तप के बल पर ही भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं। भगवान विष्णु जी समस्त सृष्टि के चराचर जीव जगत का पालन करते हैं। भगवान शंकर तप के बल पर ही सृष्टि का संहार करते हैं और शेष नाग समुद्र नदी पहाड़ रहित पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर पाते हैं। तो इसके पीछे भी तप का ही बल है। उन्होंने कहा कि यदि हम किसी चीज़ को पाने के लिए एक निष्ठ होकर दृढ़तापूर्वक तप करेंगे तो कायनात भी हमारी कामना को पूरा करने में सहायक बन जाएगी। तो वहीं नवजीत भारद्वाज ने सभी माँ भक्तों से 26 मई दिन रविवार को मंदिर परिसर में आयोजित अलौकिक मासिक हवन यज्ञ में सम्मिलित होने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, रूपम प्रभाकर, सुनीता, अंजू, गुरवीर, मंजू, प्रिया, रचनी, नरेश, कोमल, कमलजीत, धर्मपाल सिंह, अमरजीत सिंह, राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, अमरिंद्र कुमार शर्मा, नवदीप उदय, अजीत कुमार, बाबा खन्ना, विनोद खन्ना, नवीन, जोगिंदर सिंह, मनीष शर्मा, सुखा, अमनदीप, अवतार सनी, गौरी, केतन शर्मा, सौरभ, अजय शर्मा, दीपक, प्रदीप, प्रवीण, राजू, अमनदीप शर्मा, गुरप्रीत सिंह, वीरेंद्र सिंह, अमन शर्मा, वरुण, दिलीप, लवली, लकी, रोहित, रिंकू सैनी, विशाल, अश्विनी शर्मा, रवि भल्ला, भोला शर्मा, जगदीश, सुनील जग्गी, दीपक, अशोक शर्मा, प्रिंस कुमार ठाकुर, बलदीव सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। साचे दरबार की जय। मां बगलामुखी जी, मां बगलामुखी ताम पंजाब दे पहले मां बगलामुखी जी दे प्रसिद्ध सिद्ध स्थान दे उत्ते आज जिहड़ा सप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ दा आयोजन किया गया। मां दी असीम कृपा दे नाल बड़ा आशीर्वाद मिलिया। सारी संगत दूरों दूरों आई हुई महामई दे निमित्त सवन यज्ञ च आहुतियां डालियां ते मां दा आशीर्वाद लिया। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि माँ बगलामुखी धाम हर गुरुवार को और हर शनिवार को निःशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता। कोई भी माँ भगत आके हवन यज्ञ शामिल हो सकता और आहुतियां डाल सकता। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि इस रविवार 26 मई को जिहड़ा मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा, बहुत ही अलौकिक हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा। आप भी पहुँचो, अपने मित्रगण संबंधियों नाल पहुंच के महामई के दरबार से हवन यज्ञ आहुतियां डालो और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करो। ये साडे समूह सेवादारा वालों सारे भक्तों के करबद्ध प्रार्थना है कि पहुंचो, पहुंच के महामई का आशीर्वाद ग्रहण करो और अपने जिहड़े कष्ट है उन्होंने दूर करो, दुख दर्द जिहड़े महामई के आशीर्वाद का दूर होण, यही साडी कामना है। जकारा बगलामुखी माता जी का बोल साचे दरबार की जय। शिव शक्ति माँ बंगलामुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन ग्रोवर कॉलोनी जालंधर में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ किया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम सुबह माँ बंगलामुखी जी के हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर के संचालक हैप्पी बाबा ने आए हुए यजमानों से विधिवत मंत्रोच्चारण कर हवन यज्ञ में आहुतियां डाल यज्ञ को संपन्न करवाया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान प्रवीण करत्याल सोनू, हैप्पी बाबा, आचार्य श्री विजय शास्त्री, विकी विज, बब्बा अंगुरवाल, अमित गुजराल, अजय नारंग, राहुल चड्डा, जी एस नंदा, मनोज चड्डा, दीपांशु, रॉकी खुराना, दिलजोत चावला, जतिन कुमार, दिवांश चड्डा, कपिल शर्मा, यशपाल, कमल किशोर, दीपांशु महाजन, पंकज सरपाल, वरुण तनेजा, राकेश अंगुरवाल, राजेश मनचंदा, विकी अग्निहोत्री, एम्पल ठाकुर, गीतिका कत्याल, पूजा रिया, वंदना शर्मा, निधि शर्मा, राधिका महाजन, सिमरन चड्डा, एडवोकेट सिमरन भल्ला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। Swaha.
अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दुमुरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का वाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया। मां बंगलामुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों के रूप में उपस्थित हुए भक्तों ने हवन में आहुतियाँ देकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी, देवेश राम सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, अंकुर मल्होत्रा, डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, डॉक्टर मुकेश यादव, उषा देवी, मीना शर्मा, ललिता, नीलम रानी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिम ओम स्वाहा। ओम हरिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिम ओम स्वाहा। ओम हरिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिम ओम स्वाहा। ओम हरिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिम ओम स्वाहा। ओम हरिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिम ओम स्वाहा। ओम हरिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिम ओम स्वाहा। ओम हरिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिम ओम स्वाहा। ओम हरिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिम ओम स्वाहा। ओम हरिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के अधीन आते फिलौर के नजदीक एक तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्राली के पीछे टकराई, 1.5 वर्षीय बच्चे सहित 2 लोगों की मौत, 5 घायल। होशियारपुर के दसूहा तलवाड़ा मुख्य मार्ग पर पराली से भरी ट्रैक्टर ट्राली और बस की हुई टक्कर, 2 लोग घायल। कपूरथला में रशियन युवती का पर्स लूटकर एक लुटेरा हुआ फरार, समाजसेवी संस्था के साथ रशिया से भारत घूमने आई थी युवती। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।